ओके फाइन जी, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं रस्ट की स्लाइड्स। मैं दोबारा मेंशन कर दूं कि ये स्लाइड सेम टू सेम टू सेम वही हैं जो PIAIC वालों ने पोर्टल में प्रोवाइड की हुई है। सिर्फ उनका थोड़ा सा मैंने कलर चेंज किया, इसलिए कि वो भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट थी और कुछ मज़ा नहीं आ रहा था उनको देखते हुए, तो मैंने थोड़ा सा उनके अंदर ग्राफिकल टच दिया। बाकी कंटेंट वाइज ही 100% सेम टू सेम है, ठीक है। और मैं फिर मेंशन कर दूं कि ये बिल्कुल एक अनऑफिशियल सेशन है जो कि बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स है। इसका मकसद है कि हम लोग आपस में दूसरे की हेल्प आउट करें। इसका PIAIC से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब ये हमारा ना आज का 7वां सेशन है इस कोर्स के दौरान। पहले 3 सेशन हमने किए थे लिनक्स और फिर रस्ट की इंस्टॉलेशन के ऊपर, और जिन जिन लोगों को इश्यूज पेश आ रहे थे उसके ऊपर हमने एक कम्प्रिहेंसिव किस्म के ना 3 सेशन किए थे, जिसमें हमने लोगों को इस काबिल बनाया था कि वो वर्चुअलाइजेशन में या लाइव सिस्टम के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल करें, देन उसके ऊपर रस्ट इंस्टॉल करें, और देन उसके ऊपर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करें, ठीक है। फिर अगले 3 सेशन हमने किए जिसमें जो हमारी 4IR फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली स्लाइड्स थी ना, उनको हमने कम्प्लीटली गो थ्रू किया 3 सेशंस में। मतलब हम सारी स्लाइड्स को जो तकरीबन 200 के करीब थी उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और हर सेशन में जो कि तकरीबन 1.5 घंटे का सेशन था उसमें हमने वो सारी स्लाइड्स को एक बार फिर रिव्यू किया, गो थ्रू किया ना। और अब का जो हमारा सेशन है जो कि कंटिन्यू रहेगा, शुरू में अभी तक हम जहाँ पहुँचे हुए हैं लाइक क्लासेस में, उसके लिए भी हम शायद अगले कुछ आने वाले दिनों में रेगुलर सेशंस कर लेंगे, और देन फिर देखेंगे वीक में एक या दो बार जो उस वीक में पढ़ा होगा, जब हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे और अपनी क्लास की पेस को पा लेंगे, फिर हम वीक में एक या दो सेशन जो है ना हर हफ्ते कर लिया करेंगे, जिसके अंदर हम उस प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों को थोड़ा सा ना रिव्यू कर लिया करेंगे। सही है। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट से, और स्टार्ट हमारा होता है वेरिएबल से और उसके बाद म्यूटेबिलिटी के कंसेप्ट से ना। अब फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो आज वाला सेशन है बिल्कुल शुरू का सेशन है और हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे रखेंगे, और उन लोगों के लिए ये ज़्यादा सूदमंद साबित होगा जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। और जो लोग थोड़ा प्रोग्रामिंग जानते हैं वो कहेंगे यार ये क्या बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली बातें बता रहे हैं। तो इसमें मसला ये है कि जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है उनके लिए यही बेसिक बातें ही जो है ना एक बहुत बड़ा हर्डल बन के सामने आई है, इसकी वजह से वो प्रॉपर प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसलिए हम शुरू में ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे ताकि वो तमाम हमारे साथी स्टूडेंट्स जो कि इन बेसिक नॉलेज के ना होने की वजह से अभी पीछे रह रहे हैं वो बिल्कुल हमारे शाना बशाना आके खड़े हो जाएं, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, लाइक हम अगर किचन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो हमें ना जो भी किचन में हम काम कर रहे होते हैं उसको रखने के लिए कुछ बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें देगची भी हो सकती है, उसमें प्लेट भी हो सकती है, उसमें जग भी हो सकता है, उसमें कप भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें ना वहाँ पे जो हम जो भी देखें कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या करता है, वो कुछ डेटा लेता है, उस पर कुछ कमांड चलाता है, कोई प्रोसेसिंग करता है, और देन कोई आउटपुट निकालता है और फिर वो आउटपुट हमें दिखा देता है, ठीक है। अगर हम सिंपल एक एडिशन के प्रोग्राम का तसव्वुर करें तो एडिशन का प्रोग्राम क्या करेगा कि दो नंबर्स लेगा, उनको जमा करेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक किसी जगह रखेगा, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद, और देन वो हमें डिस्प्ले कर देगा कि जी जो आपने दो नंबर बताए थे उसका रिजल्ट ये आ रहा है। तो बेसिकली होगा ये कि वो जो वेरिएबल्स होते हैं ना ये उस चीज़ का नाम है जो कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम मुख्तलिफ वैल्यूज को अपने अंदर होल्ड रखती है, ठीक है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसको कप में डाल देते हैं, पानी गिलास में डाल देते हैं, सालन है तो वो प्लेट में डाल देते हैं। सेम इज द वे विद दिस कि काशिफ, आपका कोई सवाल है? हमजा काशिफ, आप ऐसे करो, टाइप करो, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे वो सवाल नजर आ जाए। टाइप करके सेंड करो जरा मेन चैट पे। अच्छा, तो वेरिएबल्स ना इस तरह से ना होल्डर्स होते हैं जो कि अपने अंदर कुछ वैल्यू टिल
जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और जब एंड हो रहा होता है उसके दरमियान में वो कोई वैल्यू होल्ड करने के काबिल होते हैं, अपने अंदर वो वैल्यू स्टोर रखने के काबिल होते हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू दे देते हैं, सेव कर देते हैं, मतलब रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब हमें वो वैल्यू चाहिए होती है वहां से उठा के दोबारा से उसको रीड कर लेते हैं, उस पर अगला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी की लोकेशंस होती हैं वहां पे ये वेरिएबल बन रहे होते हैं और इनके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, स्कोप वाली बात हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसकी आप मिसाल यहाँ से ले लें कि हमने प्रोग्राम शुरू किया ना, तो हमने अपने सामने ना दो डब्बे रख लिए, ठीक है, दो बॉक्सेस रख लिए या दो गिलास रख लिए आप ये कह रहे हैं। पहले बॉक्स में हमने कहा कि हम लोगों से नाम पूछेंगे और वो नाम हम इस बॉक्स में डाल देंगे ताकि जब हमें नाम की जरूरत पड़े तो हम बॉक्स नंबर वन में हार्ड डालें और उसको जो भी उसके अंदर चीज पड़ी है, जो नाम पड़ा था, उसको बाहर निकालें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने दो वेरिएबल बना लिए, एक नाम का बना लिया और एक एज का बना लिया, ठीक है। तो हमने नाम के अंदर डाल दिया मारिया, और सपोज एज यहाँ पे नजर नहीं आ रही क्योंकि एग्जाम्पल मैं अपनी दे रहा हूँ, स्लाइड सर वाली है। तो दूसरे डब्बे में हमने एज डाल दी जिसके अंदर हमने मारिया की एज लिख दी जो कि सपोज सी 25, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमारे पास प्रोग्राम के अंदर दो डब्बे बन गए, दो बॉक्स बन गए, दो वेरिएबल्स बन गए। पहले डब्बे के अंदर हमने नाम डाल दिया, वो तो नाम हमने इस बार जो हम यूज़ कर रहे थे वो मारिया था, तो हमने मारिया डाल दिया। और इसी तरह दूसरे डब्बे में एज की वैल्यू आनी थी तो उसमें मारिया की हमने एज डाल दी 25, ठीक है। अब आगे जाके फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोग्राम क्या करता है कि प्रोग्राम ग्रीटिंग करता है कि गुड मॉर्निंग जो भी नाम है वो, ठीक है, यानी कि जिस बंदे ने भी प्रोग्राम रन किया है उसका नाम वो ले और उसको कह दे गुड मॉर्निंग और आगे उसको कह दे कि यू आर दिस ईयर ओल्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हमारा प्रोग्राम आगे जाके उस जगह पे पहुंचेगा कि और वो प्रोग्राम की जो कमांड है वो कहेगी कि जी आप गुड मॉर्निंग कहें नेम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, नेम के बॉक्स में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको, तुम्हारा प्रोग्राम क्या करेगा कि उस बॉक्स में हार्ड डालेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी थी वो उठा के निकालेगा और लिखेगा गुड मॉर्निंग और आगे वो वैल्यू अटैच कर देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो गुड मॉर्निंग लिखेगा और उसके बाद डब्बे में हार्ड डाल के जो चीज़ निकालेगा वो होगी मारिया, बल्कि जो वैल्यू होगी उस डब्बे के अंदर जो स्टोर हुई है वो होगी मारिया। तो वो कह देगा गुड मॉर्निंग मारिया। फिर अगली हमें इसको कमांड कही थी कि तुमने कहना है कि यार यू आर डैश ईयर ओल्ड, और हमने उसको बताया प्रोग्राम को कि डैश में आपने एज के डब्बे में जो चीज़ पड़ी है ना वो लाकर यहाँ लगा देनी है। तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करना शुरू करेगा कि यू आर, फिर वो डब्बे में हार्ड डालेगा, उस वेरिएबल में हार्ड डालेगा, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो उठाकर लेकर आएगा, डैश की जगह पे फिट करेगा। तो ज़ाहिर है इसके डब्बे में एज पड़ी हुई थी 25, ठीक है। तो वो कह देगा कि यू आर 25 ईयर ओल्ड, ठीक है। अच्छा, यही प्रोग्राम हम दोबारा चलाते हैं, एक बार चल गया प्रोग्राम खत्म हो गया। अगली बार हम नेम में डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल अली और एज में डाल देते हैं 35। अब जब भी प्रोग्राम चलेगा और वो कहेगा गुड मॉर्निंग और नेम वाले डब्बे में हार्ड डालेगा तो वहां पे अली लिखा होगा, तो वो प्रोग्राम प्रिंट कर देगा गुड मॉर्निंग अली, और इसी तरह से फिर योर एज इज 35 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि अब जो एज वाला बॉक्स था उसके अंदर पड़ी हुई थी 35, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कुछ बॉक्सेस की तरह की चीज़ होती है जो कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो मेमोरी में बन जाते हैं, हम उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाते हैं वो उसमें अपने पास रख लेते हैं डब्बे के अंदर, जिस तरह हमने ये नाम और एज डाली थी। और जब हमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको निकालें वेरिएबल की वैल्यू को उसको यूज़ करें, तो वो हमें वो वेरिएबल ये सपोर्ट देते हैं कि वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमें वापस मिल जाए ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। जस्ट लाइक ए बॉक्स के बॉक्स में कुछ चीज़ डालते हैं तो उसमें स्टोर रहती है और जब उसमें से निकालते हैं तो हमें वापस मिल जाती है। अच्छा, अब जो रस्ट है ना, रस्ट रस्ट 4IR में हमने पढ़ा था कि रस्ट जो है ना वो बड़ी सिक्योर लैंग्वेज है। तो रस्ट ना कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार करती है वेरिएबल बनाते हुए। रस्ट कहती है कि जी जो रस्ट का डिफॉल्ट वेरिएबल होता है उसको बनाने का जो भी तरीका होता है वो भी हम आगे जाके देख लेंगे, ये वेरिएबल किस कमांड से बनते हैं मेमोरी में अगर हमें बनाने की जरूरत पड़े,
तो रस्ट क्या करती है कि अगर आप सिंपली वेरिएबल बनाए ना, तो वो वेरिएबल को इम्यूटेबल बना देती है। इम्यूटेबल का मतलब ये है, यहाँ पे तो लिखा है ना, वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो देखिए मॉडिफाइड लिखा हुआ है, मॉडिफाइड का मतलब ये है कि वो चेंज नहीं हो सकती, पहली बार जरूर दी जा सकती है। तो होगा ये कि जब आप नॉर्मली वेरिएबल रस्ट में बनाएंगे, एक डब्बा बनाएंगे, ठीक है, वेरिएबल का, तो वो खाली होगा, तो उसमें आप पहली बार कोई वैल्यू डाल दें, वो उसमें चली जाएगी, लेकिन वो फिर वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। इम्यूटेबल वेरिएबल्स का ये मतलब होता है कि जब आप नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रस्ट के अंदर, तो उसके अंदर आप वैल्यू एक बार तो डाल सकते हैं, लेकिन एक बार के बाद फिर आप जो है ना उसमें वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जो आपने एक बार डाल दी, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम फिर वही रहेगी। अगर आप उसको दोबारा चेंज करने लगेंगे, तो प्रोग्राम एरर दे देगा कि भाई आप इम्यूटेबल वेरिएबल के अंदर वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्यूटेबल का कंसेप्ट ये है कि अगर आप डिफॉल्ट में वेरिएबल क्रिएट करें रस्ट के प्रोग्राम के अंदर, तो क्या होता है कि वो एक बार तो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि जब वो डब्बा खाली होता है, बॉक्स खाली होता है वेरिएबल वाला, तो आप उसमें कुछ चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन जब आपने एक बार डाल दी ना, फिर वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। निकाल के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई और नई वैल्यू उसमें नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ठीक हो गया। तो ये होते हैं इम्यूटेबल वेरिएबल्स। लेकिन बाज़ुकात ऐसा होता है, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप चाहते हैं नहीं यार मैं वैल्यू को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बार बार चेंज करूँ, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट डेवलप हो रही है कि आप चाहते हैं कि मैंने वेरिएबल एक बना लिया, अब मैं चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर लूँ, पहले मैंने नेम में मारिया डाला था, अब मैं एली डाल दूँ, फिर मैं अफशा डाल दूँ, फिर मैं नासिर डाल दूँ, ठीक है, बार बार मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी सपोज। तो अगर ऐसी बात है, तो फिर आपको उस वेरिएबल को लाजमी म्यूटेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं। तो फिलहाल आप सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान दें कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कंसेप्ट ये है कि जब रस्ट में आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो वो डिफॉल्ट में जो बनता है वो इम्यूटेबल बनता है, उसमें आप पहली बार तो वैल्यू डाल सकते हैं, तो उसके बाद थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप वैल्यू की आपकी जो है वो बार बार ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज होती रहे, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप उस वेरिएबल को म्यूटेबल डिक्लेयर करेंगे। सही हो गया। अच्छा, आगे वही बात बता रहे हैं कि इन रस्ट वेरिएबल्स आर इम्यूटेबल बाय डिफॉल्ट फॉर सेफ्टी, हाउ एवर वी कैन चेंज द म्यूटेबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। कोई वाली बात होगी कि जब आप डिफॉल्ट में कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसमें आप मेंशन नहीं करते कि यार ये म्यूटेबल है इम्यूटेबल है, तो वो फिर इम्यूटेबल बन जाता है। आप उसकी वैल्यू एक ही बार चेंज कर सकते हैं, दूसरी बार नहीं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको चेंज करना है, तो फिर आप क्या करें कि आप उसको इम्यूटेबल बना दें। अब ये इम्यूटेबल बनाने का तरीका बताएगा आगे, इससे पहले थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लें। इसमें लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन मेन है, मेन में वो कह रहा है लेट एक्स इज इक्वल टू 5। रस्ट में वेरिएबल डिफाइन करने का बेसिक लेवल का तरीका ये होता है कि आप लेट लिखते हैं, लेट LET लेट स्पेस देते हैं, फिर वेरिएबल का नाम देते हैं। यहाँ पे उसने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है एक्स, तो ये कह रहा है कि एक वेरिएबल बनाओ एक्स नाम का और उसके अंदर वैल्यू डाल दो 5, ठीक है। ये आप देख रहे हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल बनाओ एक्स नाम का, उसके अंदर वैल्यू डाल दो 5। उसके बाद अगली कमांड है प्रिंट एलन की। प्रिंट एलन की कमांड ये करती है कि प्रिंट एलन कॉलन लिख के, सॉरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख के, आगे आप ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू देते हैं ना, वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, ठीक है। जिस तरह कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड, हेलो इस्लामाबाद वगैरह प्रिंट करवाया था। अच्छा, साथ साथ प्रिंट एलन ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप चाहें तो प्रिंट एलन के थ्रू आप किसी वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी मर्जी का, प्लस आप वेरिएबल की वैल्यू भी दे सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए उसे लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और आगे दो करली ब्रैकेट डाल दिए। दो करली ब्रैकेट का मतलब है कि इस जगह के ऊपर आपने ये जिस तरह फिल इन द ब्लैंक होती थी ना, कि पूरा सेंटेंस लिखा होता था उसमें कोई बीच में जगह खाली छोड़ दी होती थी, वो हम किसी वर्ड से पूरी करते थे, मतलब वर्ड खुद से डालते थे उसमें ना। तो यहाँ पे भी यूँ समझ लें कि ये वाली जो ब्लू हुई हुई है लाइन, ये फिल इन द ब्लैंक हुई हुई है, और इसमें वो जो ब्लैंक लाइन के लिए जो अंडरस्कोर जो नीचे एक लाइन लगी होती थी ना, उसकी जगह यहाँ पे करली ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और आगे वो ब्लैंक है, मतलब एक अंडरलाइन सा किया हुआ है कि यहाँ पे कोई बाहर से वैल्यू आके स्टोर होनी है। और ये देखिए आगे कॉमा डाल के एक्स जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये बन रहा है कि वो जो ब्लैंक है ना, वहां पे एक्स की जो भी वैल्यू है वो ले जाके उस ब्लैंक वाली जगह पे डाल दो, उस करली ब्रैकेट वाली जगह पे डाल दो। तो अब देखें कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी, 5 थी। तो यहाँ पे जा रहे वो एक्स की वैल्यू 5 ही है, तो ये जो प्रिंट होगा ये कहेगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक वाली जगह आ गई करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में आनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या है, 5। तो ये जो 5 है ना, ये उठ के इस जगह पे इस पे पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोग्राम रन करेगा तो वो कहेगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, ठीक है। इसको हम आपके सामने अभी ना फटाफट तजर्बा करके देख लेते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेन डॉट आर एस, जिसमें मैंने ये वाला कोड लिखा है, लेट एक्स इज इक्वल टू 5, प्रिंट एलन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये जो ब्लैंक दे दिया और आगे एक्स लिख दिया कि एक्स की जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ प्रिंट करते हैं, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, उसके बाद टर्मिनल में जाएंगे। अभी आपके सामने टर्मिनल का व्यू आ रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे कार्गो रन, तो ये देखें उसने आउटपुट दे दी द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। सॉरी, अब मैं चाहता हूं कि मैं उसी जो एक्स की वैल्यू है ना उसको मैं कुछ और कर दूं, लाइक मैं उसको 10 कर दूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वही वाला कोड नीचे कॉपी पेस्ट किया, लेकिन अब मैंने से कहा कि वही जो एक्स का नाम का वेरिएबल बना हुआ है ना उसकी वैल्यू अब कर दो 10, और अब वही वाली प्रिंट एलन दोबारा करो, मैं देखूँ ये मुझे 10 की वैल्यू प्रिंट करके देता है कि नहीं देता ना। ये देखें मेरी पिछले वाली एग्जीक्यूशन थी कि जो मैंने पिछली बार प्रोग्राम चलाया था वो चल पड़ा था। अब मैंने इसके अंदर नई वैल्यूज डाली हैं और प्रोग्राम को सेव किया है, और मैं फिर दोबारा कार्गो रन करता हूँ, इससे मुझे एरर दे दिया कुछ, ठीक है, कुछ लाइंस ऊपर चली गई। ये देखें यहाँ मैंने दोबारा ये कमांड दी थी, ये पिछली वाली मेरी कमांड की एग्जीक्यूशन थी जो बिल्कुल सही हो गई थी। अब मैंने जब कार्गो रन किया तो उसने मुझे एरर दे दिया। एरर इसने कहा ये जो लाइन नंबर 2 में आपने लेट एक्स इज इक्वल टू 5 की है, ये बता रहा है फर्स्ट असाइनमेंट टू एक्स, ठीक है, और लाइन नंबर 4 में वो कह रहा है कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब लेट एक्स इज इक्वल टू 5 किया था और प्रोग्राम चलाया था बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब मैंने उसी उसी वाली एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर दोबारा से वो वैल्यू डालने की कोशिश की नहीं,
तो इसने मुझे यहाँ पे देखिए एरर दे दिया, ए नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल। ये बता रहे हैं कि मैं इम्यूटेबल वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, मुझे अलाउड नहीं है। सही है, तो देखें ये जो उसके एरर होते हैं ना, ये बड़े क्लियर कट होते हैं, आपको बिल्कुल आइडिया दे देते हैं कि आपने कहाँ गलती की है। जिसमें यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कैनॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल, कि इम्यूटेबल वेरिएबल में दोबारा से वैल्यू नहीं डाल सकता, ये मुझे उसने एरर दे दिया। साथ लाइन नंबर भी बता दिया कि लाइन नंबर 4 में एरर है और इस जगह पे एरर है। ठीक है, तो आप अगर इसकी ये जो एरर की आउटपुट होती है इसको थोड़ा सा पढ़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या मसला होगा। ठीक है, तो ये जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल बनते हैं रस्ट में। तो इम्यूटेबल वेरिएबल में आप दो बार वेरिएबल की वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते ना। तो अभी हमने यहाँ पे ये गलती की थी कि ये देखें, हमने एक वेरिएबल बनाया था लेट x इक्वल टू 5, उसको प्रिंट करवाया और देन फिर उसकी वैल्यू को दोबारा से चेंज करने की कोशिश की, तो उसने एरर दे दिया लाइन नंबर 4 में कि मैं इम्यूटेबल वेरिएबल को दो बार वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। अब अगर हम चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई हम तो चाहते हैं कि वैल्यू बार बार चेंज हो, तो आप इसको इम्यूटेबल ना रहने दें, म्यूटेबल बना दें। तो उसके लिए हमें वेरिएबल बनाते हुए यहाँ पे लिखना पड़ेगा MUT। ठीक है, लेट म्यूटेबल, यानी कि MUT जो है म्यूटेबल को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे MUT आपने लिखना है, पूरा म्यूटेबल ही लिख देना। तो हम बता रहे हैं कि लेट म्यूटेबल टाइप का एक वेरिएबल बनाओ एक्स जिसकी वैल्यू हो 5। ठीक है, अब देखिए हमने म्यूट का कीवर्ड ऐड कर दिया MUT का, जो कि शो कर रहा है कि ये एक्स जो है म्यूटेबल वेरिएबल है, यानी कि इसकी बार बार वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हमने सिर्फ ये MUT का इजाफा किया, प्रोग्राम को सेव किया और अब हम जाके इसको चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगी। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे कार्गो रन करता हूँ तो देखें कि प्रोग्राम चल भी पड़ा, इसने मुझे पहली वेरिएबल की वैल्यू भी शो कर दी एक्स इज इक्वल टू 5 और फिर उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू भी शो कर दी एक्स की 10 वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने चूंकि इसको वेरिएबल म्यूटेबल डिक्लेयर कर दिया है तो अब इसमें बार बार चेंजेस हो सकती हैं। तो पहले उसने वैल्यू 5 रखी थी, फिर वो डिस्प्ले की, फिर हमने दोबारा से उसकी वैल्यू चेंज की 10 की और फिर वो डिस्प्ले करवाने की कोशिश की, तो देखें वो भी प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स का। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ 3 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेना चाह रहा हूँ, ताकि अगर यहाँ तक किसी को कॉन्सेप्ट कोई चीज़ मसला अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो काइंडली आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। 3 मिनट है, वरना मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें यहाँ पर। फैसल भाई जी, जी तैयब बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूछना था कि मट लगाने की ज़रूरत क्या है। वैसे ही अगर हम वेरिएबल नया लगा लें, मतलब लेट लगाएंगे उसके साथ एक्स की कीमत लगा दें तो वो भी प्रिंट हो जाती है। देखें अगर आपने नया वेरिएबल बनाना है ना, फिर तो कोई मसला नहीं है कि आप पहला वेरिएबल भी इम्यूटेबल बना दें, एक और बना लें, एक और बना लें। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हो सकता है कि आप एक ही वेरिएबल को बार बार यूज़ करना चाह रहे हो, कोई आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ऐसी। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो एक नया वेरिएबल बना लें, उसके अंदर वैल्यू 10 डाल दें और देन उसको लेके चलें। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आप दूसरा वेरिएबल ना बनाना चाह रहे हो, आप उसी वेरिएबल से काम कराना चाह रहे हो। वरना देखें ना, अब ये ना आगे जाके ना जब आप लूप्स पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आप एक ही वेरिएबल से, बल्कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 जब किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप एक ही वेरिएबल को बार बार एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 जब लगाते हैं या कोई और तरह की कमांड लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक ही प्रिंट एल एन की स्टेटमेंट यूज होती है, लाइक आप कहते हैं प्रिंट एल एन एक्स। तो अगर आप हर बार वेरिएबल का नाम नया रख दें और आपको 10 बार कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो फिर आपको 10
कमांडें लगानी पड़ेंगी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी वेरिएबल के नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट एल एन ए, प्रिंट एल एन बी, प्रिंट एल एन सी, प्रिंट एल एन डी, प्रिंट एल एन ई, ठीक है। उसकी जगह अगर आपने वेरिएबल का नाम एक ही रखा है, उसको म्यूटेबल कर दिया और उसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर रहे हैं, तो वो आपकी एक ही प्रिंट एल एन की कमांड अगर आप लूप में लगा देंगे तो वो बार बार यूज होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा लूप वाली चीज आ गई है, तो वो लोग जो जरा इतने एडवांस नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरे ये ठीक आपका जवाब ये है कि ये आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और बहुत सारे मौके पे आप ज़्यादा वेरिएबल नहीं बनाते, नए वेरिएबल नहीं बनाते, बल्कि पुराने वालों से ही गुजारा करते हैं। और दूसरी बात ये कि कल कलाम को जब आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास रैम 4 GB, 8 GB, 16 GB नहीं होती, बल्कि 256 KB होती है। 256 KB में आपके पास बिल्कुल भी जगह नहीं होती एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाने की, आपको लिमिटेड वेरिएबल्स के साथ ही काम करना पड़ता है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? ठीक हो गया, बस हो गया क्लियर, यही था। शुक्रिया। वेलकम। चलिए हम वापस आते हैं अपने सेशन की तरफ, बीच बीच में क्वेश्चन आंसर इसी तरह लेते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है। तो ये था म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स का कंसेप्ट, और उसके साथ साथ हमने आपको बता दिया कि अगर आपने किसी को म्यूटेबल बनाना है, किसी वेरिएबल को, तो उसको डिक्लेयर करते हुए उसके पीछे MUT लिख दें तो वो वेरिएबल म्यूटेबल बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बीच में एक स्लाइड दी हुई है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कंपाइलेशन या कंपाइल टाइम एरर। दो तरह के एरर होते हैं जो जो आपका रस्ट का प्रोग्राम आपको, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आपको देगी। एक होते हैं कंपाइल टाइम एरर और एक होते हैं रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या होते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि यार मैंने जब उस वेरिएबल को म्यूटेबल डिक्लेयर नहीं किया था और मैंने उसको कार्गो रन किया था, तो उसने मुझे बजाय प्रोग्राम रन करने के एक एरर दे दिया था कि कैन नॉट असाइन वैल्यू अगेन टू इम्यूटेबल वेरिएबल, ठीक है। ये क्या था कि प्रोग्राम को जब मैं रन करने लगता हूँ, मैंने इस सेशन के बिल्कुल शुरू में कहा था कि उसकी स्टेजेस होती है कि पहले आप प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं, देन प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो अगर प्रोग्राम में कोई एरर हो तो कंपाइल टाइम पे आपको एरर आ जाता है सामने आपके कि आपने ये गलती की हुई है। अगर आपके प्रोग्राम में एरर ना हो तो वो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, रनिंग फॉर्म में आ जाता है और फिर वो रन होता है और आपके सामने उसकी आउटपुट आ जाती है, ठीक। तो कंपाइल टाइम एरर वो एरर्स होते हैं जो कि जिस वक्त आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है वो कोड फॉर्मेट से रनिंग फॉर्मेट में जा रहा होता है, ठीक है। उस वक्त अगर कोई एरर पकड़ा जाए और वो आपके सामने आ जाए और प्रोग्राम रन होने के बजाय आपको एरर शो कर दे, वो एरर कंपाइल टाइम एरर कहलाते हैं। फिर आगे जाके आप देखेंगे आगे जाके कि बाज एरर ऐसे भी होते हैं जो कंपाइल टाइम पे सामने नहीं आते, लेकिन जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो वो एक्चुअली एरर उसकी लॉजिक में होते हैं, ठीक है। तो वो जब लॉजिक एग्जीक्यूट गलत वाली होती है ना, तो तब वो एरर आना शुरू हो जाते हैं। तो वो एरर होते हैं जब आप कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक कंपाइल हो जाता है, जब आप रन करते हैं तो उस टाइम वो एरर कहीं जाके सामने आता है, तो उसको कहते हैं रन टाइम एरर। तो ये दो फर्क होते हैं, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर वो एरर्स होते हैं तो जिस वक्त आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है उसी वक्त आपके सामने आ जाते हैं और फिर आप उनको ठीक कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के कोड में जाकर। रन टाइम एरर वो होते हैं जो आपके प्रोग्राम की नॉर्मली लॉजिक में होते हैं, वो उस वक्त तो सामने नहीं आते। कंपाइल कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आपने लॉजिक को ऐसी उल्टी सीधी लगाई होती है कि जब वो लॉजिक अगर होती है ना तो वो प्रोग्राम जो है ना वो एरर दे देता है, ठीक है। हम आगे जाके हमें जब रन टाइम एरर से वास्ता पड़ेगा तो हम इस वाली बात को फिर रिपीट भी कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये लास्ट हमने प्रोग्राम अभी आपको लाइव करके दिखाया था, और इसमें हमने देखा था कि हमने ये म्यूटेबल वेरिएबल जब बना लिया तो फिर उसके बाद हमने इस प्रोग्राम में जहाँ जहाँ उसकी वैल्यू चेंज की है हमें वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट एक खास किस्म का कीवर्ड है और इसकी भी हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल की हम वैल्यू असाइन करते हैं ना कि हमने कहा था लेट एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 5, इसी तरह कॉन्स्टेंट का नाम और कॉन्स्टेंट की भी ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर वो वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे लिए यूजेबल होती है। इसमें और बाकी दो जो चीज़ें थी हमारी,
म्यूटेबल और म्यूटेबल वेरिएबल, उसमें छोटा सा एक स्लाइड सा डिफरेंस है, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। कि देखिए जी, ये हमारा कोड है, तो इसमें जो बेसिकली ये है ना, एक्स नाम का वेरिएबल बना हुआ, ये एक वेरिएबल है। तो अगर आप इसको म्यूटेबल डिक्लेयर ना करें तो क्या होगा कि इसके अंदर आप एक बार वैल्यू दे सकते हैं और देन फिर वो आगे दोबारा से चेंज नहीं होगी वैल्यू जो आपने एक बार दी। लेकिन जो इम्यूटेबल वेरिएबल और जो म्यूटेबल वेरिएबल जब आप इसको बना देंगे तो फिर उसके अंदर बार बार चेंजेस हो सकेंगे इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो करता ये है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो तो वो मेमरी के अंदर एक जगह एलोकेट हो जाती है, फिर जब प्रोग्राम रन होता है तो उसके अंदर वैल्यू जानी और आनी शुरू होती है। इसने कितने बॉक्सेस की आपको मिसाल दी थी कि मेमरी में कुछ बॉक्स बन जाएंगे, उन बॉक्स में आप वैल्यू डालेंगे और उनमें से निकालेंगे और यूज़ करेंगे, ठीक। कॉन्स्टेंट एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ होती है। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं कि कॉन्स्टेंट जिस वक्त प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है ना, तो जहाँ जहाँ पे आपने वो कॉन्स्टेंट लगाया होता है ना, वहाँ वहाँ पे उस कॉन्स्टेंट की जगह उसकी वैल्यू लग जाती है। कैसे? कि अगर बिलफर्ज में एग्जांपल देता हूँ कि हम कहते हैं पाई, पाई की कोई वैल्यू होती है 22/7 ना, तो वो मेरे ख्याल में कोई 3 point something बनती है। तो बिलफर्ज में ना कोई मैथमेटिकल प्रोग्राम है, उसमें जगह जगह पाई की वैल्यू यूज हो रही है, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं पाई का एक वेरिएबल बनाऊँ, लेट पाई इज इक्वल टू 3.17। फिर जहाँ जहाँ मैंने पाई की वैल्यू यूज़ करनी है वहाँ पे मैं मतलब उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए काम चला लूँ। तो होगा ये कि जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, तो अब क्या होगा कि मेमोरी में एक लोकेशन बनेगी, एक डब्बा बनेगा, और फिर उसके अंदर ये 3.17 की वैल्यू डाल दी जाएगी। और फिर जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना होगा पाई, वहाँ वहाँ मेमोरी एक्सेस होगी, डब्बा एक्सेस होगा, डब्बे में हार्ड डाल के उसकी वैल्यू निकाली जाएगी प्रोग्राम की तरफ से और फिर उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो पाई है ना, इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होनी, ना पहली बार चेंज होनी है ना आखिरी बार चेंज होनी है। वेरिएबल्स में तो ये होता है ना कि हम इम्यूटेबल हो तो उनमें पहली बार हम वैल्यू चेंज करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं और आइंदा चेंज नहीं होती, और अगर म्यूटेबल हो तो वो बार बार चेंज हो सकती है। लेकिन पाई एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी, वो आज 10 साल बाद, 10 साल पहले हमेशा से वो सेम वैल्यू चलती आ रही है। तो देखिए, इस वैल्यू को अगर मैं वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर कर देता ना, तो ये एक ओवरहेड बन जाता। जब भी मुझे पाई की वैल्यू चाहिए होती तो ये मेमोरी में जाता, वहाँ से वैल्यू निकाल के लाता और फिर उसको किसी जगह पे यूज़ हो रहा होता, किसी इक्वेशन में यूज़ हो रही होती तो वहाँ पे वो डालता और फिर वो वैल्यू एग्जीक्यूट होती ना। तो ये बार बार मेमोरी में जाना और उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के लाना, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपकी जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होती है ना, उनमें ना इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि आपका प्रोग्राम इंतहाई एफिशिएंट हो। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप सिम यूज़ कर रहे हैं और आपका प्रीपेड सिम है, तो जो ही आपका बैलेंस ज़ीरो होता है ना, तो 1 second से पहले पहले आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है सिस्टम की तरफ से। तो आप देखेंगे, अगर आप किसी नेटवर्क में हैं, लाइक मोबाइल लिंक के नेटवर्क में, जैस के नेटवर्क में हैं, और कितने लाखों लोग उस वक्त नेटवर्क पे होंगे, उसमें से कितने हजारों लोग एक ही वक्त में कॉल कर रहे होंगे, लेकिन वो सिस्टम बड़ा एफिशिएंटली उन सबको ट्रैक कर रहे हैं, और जो ही किसी का बैलेंस जीरो तक पहुंचता है तो फौरन उसकी कॉल, ऑनगोइंग कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, ताकि 1 रुपया भी एक्स्ट्रा जो है ना वो बंदा मिसयूज ना कर सके, एक्स्ट्रा यूज ना कर सके। तो ऐसे रियल टाइम सिस्टम के लिए ना फिर आप इन एफिशिएंसीज का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं बजाय एक वेरिएबल पाई डिक्लेयर करने के और उसके अंदर पाई की वैल्यू 3.17 डालने के, अगर हम लिखें कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.17, ठीक है, और फिर उस प्रोग्राम को रन करें, तो जब वो प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा ना, तो कंपाइल टाइम पे जहाँ जहाँ पे हमने पाई नाम का वेरिएबल यानी कॉन्स्टेंट यूज़ किया, वहाँ पे पाई की जगह उसकी वैल्यू लिखी जाएगी और फिर प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है। यानी कि हमने पाई की वैल्यू लिखी थी 3.17, तो जो हम प्रोग्राम कंपाइल करना स्टार्ट करेंगे
उस प्रोग्राम के अंदर जहां 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 कोड के अंदर पाई लिखा हुआ था वहां वहां 3.17 लिखा जाएगा, और फिर प्रोग्राम कंपाइल होगा। अब क्या होगा कि जो प्रोग्राम मेमोरी में चलेगा तो वो 3.17 की वैल्यू किसी डब्बे में से, किसी वेरिएबल में से निकल के नहीं आनी, बल्कि उस इक्वेशन के अंदर ही हार्ड कोड कर दी जाएगी। जहां जहां पाई लिखा हुआ था वहां वहां उसकी जगह 3.17 लिखा हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब जब भी आपका वो पाई वाली इक्वेशन कैलकुलेट होगी ना, तो उसको बार बार वेरिएबल में से जाके डाटा निकाल के पाई की वैल्यू निकाल के लाने की जरूरत नहीं होगी। वो एज इट इज वहां पे इक्वेशन के अंदर लिखी हुई होगी 3.17 3.17 3.17। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोग्राम काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि काइंड ऑफ ए कॉन्स्टेंट्स हैं, और उन्होंने जिन्होंने कभी भी चेंज नहीं होना, ना प्रोग्राम के स्टार्ट में, ना पहली बार, ना आखिरी बार, बल्कि वैल्यू सेम रहनी है, उनको मैं एज ए कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं, तो हमारा वो बार बार मेमोरी में जाना और उनकी वैल्यू निकाल के लाना जो है ना, वो सिलसिला खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम ले रहे हैं 5 मिनट की एक और ब्रेक, तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी। अभी 2-3 मिनट 4 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ग्रुप के ऊपर दोबारा मैसेज करता हूँ। और अभी हमारा जो टारगेट था वो तकरीबन 4 से 5 स्लाइड्स और रह गई हैं, जिसमें अब हमने आखिर में शेडोइंग का कंसेप्ट डिस्कस करना है वेरिएबल्स रिलेटेड ही, फिर हमारे वेरिएबल वाला सेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूँ करें, ये बिल्कुल देखें आगे हमारा शेडोइंग आ रहा है, तो ये जो हमारा आखिरी कॉन्स्टेंट के बाद वाला सिलसिला होगा। ठीक है, तो आप लोग ना 3-4 मिनट बाद ग्रुप पे ऑनलाइन रहें, मैं आपको दोबारा मैसेज करूंगा कि ज्वाइन कर लें, तो आप उस लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा, तो हम आखिरी 4-5 स्लाइडों को डिस्कस करके फिर आज का सेशन एंड करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं जी एक ब्रेक के बाद।